दोस्तों मैं जीशान आरिपुर, आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपने जो डीएलएड का ऑनलाइन अप्लाई किया था सेशन 2022 के लिए, उसका डमी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है तो किस तरह आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे, बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए मैं आपको मेन मुद्दे पर लेके चलता हूँ। जहाँ से आपने डीएलएड का ऑनलाइन अप्लाई किया था बिहार बोर्ड की वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे देखिए डॉलर डमी एडमिट कार्ड फॉर डीएलएड, ये यहाँ पे जारी कर दिया गया है 16 फरवरी को 10 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन बटन मिला है, लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा। जो भी एप्लीकेशन नंबर हो, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा DELED करके इस तरह का एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको कैलेंडर पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पहले साल, उसके बाद मंथ, उसके बाद यहाँ पे डे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर यहाँ पे देखने को मिला, ये कैप्चर इसको इस बॉक्स में इंटर करेंगे। कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन में क्लिक करने को कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिला। यहाँ पे आप कोई चीज़ को चेंज भी कर सकते, करेक्शन भी कर सकते, जैसे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, उर्दू, जिस भी है वो चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये डिटेल आपका सही है तो यहाँ पे सेवन कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तक आपके सामने इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जो रसीद था पहले वाला वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिला नीचे में, डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड। डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तक यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डीएलएड सेशन डमी एडमिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी और पूरा आपका डिटेल यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना है। ठीक है, ये आपका डमी एडमिट कार्ड आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये डमी एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड से आप एग्जाम नहीं दे सकते। इस एडमिट कार्ड पे आपको कहीं पे ये नहीं मिलेगा कहाँ पे एग्जाम होगा, कहाँ पे सेंटर, बल्कि ये डमी एडमिट कार्ड यानी कि आपकी जो जानकारी वो दी गई है यहाँ पे कि ये आपका जानकारी सही है तो आप इसे सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए डमी एडमिट कार्ड जारी किया, फाइनल एडमिट कार्ड नहीं है तो यहाँ पे दिया गया है ये डमी एडमिट कार्ड प्रचार केंद्र पर प्रवेश की अनुमति हेतु मान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया मूल प्रवेश पत्र जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार नहीं किया जाता है। तो ये डमी एडमिट कार्ड है तो इसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ करेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद फाइनल जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्शन कैसे कर पाएंगे, आप लोग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद जो भी आपका डिटेल दिखेगा तो वहाँ पे आपको करेक्शन कर पाएंगे। मैंने लॉग इन कर चुका, अब मैं फिर से लॉग आउट करके एक बार फिर से देखता हूँ कि फिर से वो करेक्शन का ऑप्शन आता है कि नहीं। तो यहाँ मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करने के बाद यहाँ फिर से लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉग इन करने के बाद डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप आ रहा है, मतलब कि अगर पहली बार आप रजिस्टर देखेंगे और पहली बार में आपको करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद जब सेवन नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद करेक्शन करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे अभी आप, तो आप यहां से करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। ये डमी एडमिट कार्ड है, इसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड आएगा जिससे आप एग्जाम दे सकते हैं। और आपको एक मेन महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ, और इसकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे एक नोटिस दिया गया, नोटिस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसे बताया गया ये डमी एडमिट कार्ड 16 फरवरी से 21 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा, 21 फरवरी तक इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी 17 अभ्यर्थी का परीक्षा शुल्क जमा है, जो जिसका पेमेंट नहीं हुआ था, वो 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट भी आप 17 फरवरी से 19 फरवरी तक कर सकते हैं, और आपका डमी एडमिट कार्ड 16 फरवरी से 21 फरवरी तक आपके इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना।